नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि विधि थी कि हमारे जो पशु परिचर की जो भर्ती आ रखी है उसमें जो पोर्शन जो डिवाइड है वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये पार्ट बी है, अब ये हम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो उसकी जो रूपरेखा है वो हम यहाँ पर अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पार्ट बी है, पार्ट बी और पार्ट ए यहाँ पे जो अहम भूमिका निभाने वाले हैं। यहाँ पर पार्ट ए में वेरियस टाइप ऑफ सब्जेक्ट जैसे जनरल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सारे सब्जेक्ट डाल रखे। लेकिन जो पार्ट बी जो पोर्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो पार्ट बी है, ये पार्ट बी में क्या कर रखा है इन्होंने, एनिमल हस्बेंड्री पोर्शन डाल रखा है। आप नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि उसका नाम है जो पशु परिचर के नाम से जाना जा रहा है। तो पशुओं के बारे में जानकारी लेना बहुत ही अति आवश्यक है। इसीलिए जो पार्ट ब के अंदर जो पोर्शन डाल रखा है वो डाल रखा है हमारा इस पार्ट बी में एनिमल हस्बेंड्री का। और इसी एनिमल हस्बेंड्री में जो पोर्शन जो है इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवाइड कर रखे हैं वो 45 मार्क्स के हैं। कितना हो जाएगा, 45 मार्क्स का। और रिमेनिंग जो 105 मार्क्स का जो पोर्शन रहेगा वो पार्ट ए का रहेगा। और पार्ट बी का देखा जाए तो 45 मार्क्स का रहेगा और पार्ट ए देखा जाए तो 105 नंबर का रहेगा। ये आपका वेटेज रहने वाला है। तो यहाँ जो पार्ट बी है ये हम कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो लगातार हम इसकी क्लासें अब डे बाय डे अब चालू कर रहे हैं। जो ये पार्ट बी है बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है और इसी में बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। जैसे पशुपालन से संबंधित बहुत सारी शब्दावलियाँ, उसका इंट्रोडक्शन है ना, और उसमें भी बहुत सारे उनकी एज कैसे निकालेंगे, जो मिल्क होता है उसकी स्वच्छता किस तरह से रखेंगे, प्रिजर्वेशन कैसे रखेंगे, वो सारी बातें हम देखने वाले हैं। तो डे बाय डे आप जुड़े रहिए इसी प्लेटफॉर्म पर और आपको क्लासें निश्चित तौर पर मिलेगी। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है पशुओं की आयु गणना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा कि हम पशुओं की आयु की जो गणना है वो किस तरह से करें। तो हमें देखना ये है कि पशुओं की आयु की गणना कैसे करें, उसके भार की आयु की गणना कैसे करें। तो ये सारा एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन है। और एक जो तैयारी करने वाला है और एक बच्चा जो है बिना तैयारी वाला, बिना तैयारी वाला क्या करेगा, डायरेक्ट तुक्के मारेगा। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि जो टॉपिक से टॉपिक हमें एक एक कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। अब जैसे इसमें दे रखा है कि पशुओं की आयु गणना, अब ये पशुओं की आयु गणना की कैसे जाती है वो हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जैसे ही हम जैसे ये पशुओं की आयु की गणना की बात करें कि हम जैसे कि वो कहाँ पर यूज आता है, जैसे कि हम कहीं पशुओं को खरीदने गए तो उस उनको किस तरह से हम देखें कि ये पशु की एज क्या है, हम इसे खरीदेंगे, हो सकता है 2-4 साल बाद में उनकी एज पूरी हो रही हो तो वो मर जाए। तो इसलिए एज का कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। और जो पशुओं की आयु की गणना है वो किस तरह से करेंगे, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो पशुओं की जो आयु की गणना करते हैं वो शारीरिक दशाओं को देखकर भी किया जाता है। तो उसमें हम देखते हैं कि उसका सींग, त्वचा, पेट, अयन। अयन क्या होता है, अयन का मतलब होता है कि अपने जो आपके जो अपने क्या बोलते हैं पशुओं के जो थन आते हैं उससे रिलेटेड जो ये वर्ड है वो अयन के रूप में यूज़ किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री में। और जो ये थूथन जो बोलते हैं इसको बोलते हैं स्नोट।
और ये क्या होता है, ये जो पशु जो भी होता है उसका आगे का जो मुंह तिरछा टाइप का जो निकला हुआ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, थूथन कहते हैं। तो ये जो सींग है, त्वचा है, पेट को देखकर, अयन को देखकर, थूथन को देखकर भी हम क्या कर सकते हैं, पशुओं की आयु की गणना की जा सकती है। तो जैसे ही हम, लेकिन ये क्या है कि हम इससे डायरेक्ट और इतना रिजल्ट अच्छा नहीं है, इसीलिए इसको हम सर्वोत्तम प्रकार की आयु की गणना के रूप में इसको नहीं देखते। फिर हम दूसरे टाइप के अगर देखें तो खुर देखकर भी इसका पता किया जा सकता है। खुर का मतलब होता है कि हुफ एग्जामिनेशन, हुफ में हुफ एग्जामिनेशन और खुर। खुर क्या होता है कि जैसे कि अपन पशुओं को देखें तो उनके जो पैर होते हैं, पैर के सबसे तली वाला जो भाग होता है, तो उसको देखकर भी आयु की गणना, पशुओं की आयु की गणना हम कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसमें क्या है कि मैं जो बताऊंगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि जो भी पशुओं की गणना यहाँ से भी की जा सकती है और पशुओं की गणना यहाँ से भी की जा सकती है। मोटा मोटे तौर पर हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कहाँ ध्यान रखना है वो भी मैं बताता चलूँगा, तो उस पर खास ध्यान देना। ये क्या है, इतनी सर्वोत्तम विधि नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सींगों के द्वारा, क्या आपने कभी देखा है कि जो पशु वगैरह है तो उनके आयु सींगों को देख कर कैसे कर सकते हैं? तो उन पर क्या होते हैं कि छल्ले बने हुए होते हैं, और जो पशु होते हैं उनके जो भी, मतलब यानी कि यूं कहें कि जो सींग होते हैं और सींग पर क्या होते हैं, छल्ले बन जाते हैं। और पशु का अगर देखा जाए तो 3 साल होता है, उन 3 साल में पहला छल्ला बनता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 3 साल का है तो एक तो छल्ला बन गया, एक छल्ला बन गया और 2 वर्ष, मतलब इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि सिंगों के द्वारा यहाँ लिखा हुआ है कि छल्लों की संख्या को देखकर भी हम देख सकते हैं। अब जैसे पशुओं की उम्र वर्षों में निकालनी है तो 2 प्लस पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या, जितने छल्लों की संख्या पशुओं की सींग में है उसमें आप 2 ऐड करेंगे तो उनके पशुओं की आयु किस में आ जाएगी, वर्षों में। समझ में आ गई बात? फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। अब जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहां पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की सपोज दैट किसी एक्स कोई एनिमल है, एनिमल जानवर है, और उसके जो सींग है उन सींगों पर छल्लों की संख्या कितनी है, छल्लों की संख्या की बात करें तो छल्लों की संख्या कितनी है, छल्लों की संख्या की बात करें तो जो ये छल्लों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर मैं लेता हूँ, जैसे कि 3 छल्लों की संख्या ले ली हमने, तो 3 छल्लों की संख्या, तो इसकी एज की बात करें तो एज कितनी हो जाएगी वर्षों में, तो 3 तो छल्ले हो गए और उसमें क्या ऐड करना है, 2, तो आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष। तो हमें इस तरह से सींगों पर छल्लों की संख्या देखकर भी हम किसी भी जानवर की आयु की गणना कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा हमको ध्यान रखना है। फिर अगर हम देखें कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो भी पशु है 3 वर्ष में क्या होगा, पहला छल्ला बनेगा, पहला छल्ला 3 वर्ष में बनेगा। फिर हर एक वर्ष एक एक छल्ला नया नया बनता रहेगा। मतलब क्या हो गया कि जितने छल्ले बने हुए हैं उसमें आप 2 ऐड करेंगे तो पशु की आयु आ जाएगी, तो वो हमें ध्यान रखना है। फिर अगर हम देखते हैं दांतों के द्वारा, तो पशु की आयु अगर देखनी है तो क्या हम दांतों के द्वारा भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। दांतों के द्वारा किस तरह से देखेंगे, और ये जो आयु की जो गणना है वो ये जो दांतों के द्वारा जो भी हम आयु की गणना करते हैं इस विधि को सर्वोत्तम विधि मानते हैं और सबसे अच्छी विधि भी माना जाता है। और ये क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका है।
और ये किस किस में देखते हैं? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी के अंदर देखते हैं। देखते हैं फिर आगे, नेक्स्ट। समझ में आ गया? पशुओं की एक तो शारीरिक दशा देखकर किया जा सकता है, दूसरी बात हूप एग्जामिनेशन, खुर देखकर भी पता लगाया जा सकता है, और जो तीसरा है वो सींगों के द्वारा भी पता लगा लगा लगाया जा सकता है, और जो चौथा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, दांतों के द्वारा भी पशु की जो आयु की गणना है वो हम कर सकते हैं। देखते हैं आगे किस तरह से। अब जैसे दांतों की बात करें, किसकी बात करें हम? दांतों की। तो आपको पता है कि जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दांत होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, और जो दांतों के जो प्रकार अगर बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? ये हो जाएंगे चार प्रकार के। कितने प्रकार के हो जाएंगे? चार प्रकार के। और चारों प्रकार हमको ध्यान होना चाहिए कि उनका नाम क्या क्या है। एक को बोलते हैं कृंतक, दूसरे को बोलते हैं रदनक, और तीसरा होता है वो होता है अग्रचर्वणक, और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं चवर्णक कहते हैं। और इंग्लिश में अगर बात करें तो जो आपका कृंतक दांत है उसको इंसीजर दांत कहेंगे, रदनक है उसको केनायन बोलेंगे, और जो प्रीमोलर जो अग्र चवर्णक है उसको प्रीमोलर कहेंगे, और चवर्णक है उसको क्या कहेंगे? मोलर दांत कहेंगे। तो अब जैसे देखते हैं कि जो कर्तन दांत, इसको क्या बोलते हैं? कृतनक दांत। क्या कहेंगे? कृतनक दांत कहेंगे, इंसीजर टीथ कहते हैं। फिर दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? केनायन। और इस केनायन को ही क्या कहते हैं? केनायन टीथ। और ये जो केनायन टीथ होते हैं वो कौन से जानवरों में पाया जाता है? अगर ये पूछा जाए तो जो ये केनायन जो भी दांत होते हैं वो बिल्ली हो गई, शेर हो गया, फिर जितने भी जानवर जो होते हैं जैसे कि शेर, फिर बाघ, चीता, इनमें केनाइन दांत उपस्थित होते हैं। जो डरावने से जो दांत होते हैं उनको, उन्हीं दांतों को क्या कहते हैं? केनाइन दांत कहते हैं। फिर आता है अग्रचर्वणक। लेकिन एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना, जो केनाइन दांत होते हैं जितने भी पशु अगर जुगाली करने वाले हैं, तो जो जुगाली करने वाले जो भी दांत हैं, जुगाली करने वाले जितने भी पशु हैं उनमें कौन से दांत नहीं होते? केनायन दांत नहीं होते। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। फिर हम आगे चलते हैं। अग्रचर्वणक क्या होता है? कि अग्रचर्वणक क्या होता है कि पहले जो अग्रचर्वणक होते हैं वो क्या होंगे? उनको पहले तो अस्थायी दांत आएंगे, फिर अस्थायी आएंगे। मतलब ये जो अग्रचर्वणक दांत है उनको हम मिल्क टीथ के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो ये पहले तो क्या होंगे? अस्थायी तौर पर आएंगे, और उसके बाद में क्या होंगे? अस्थायी तौर पर आएंगे। मतलब एक बार दांत आ गए फिर क्या होंगे? गिर जाएंगे। इसलिए अस्थायी दांतों को क्या नाम देते हैं? दूध के दांत भी कहा जाता है, कोमल दांत भी कहा जाता है, कमजोर दांत भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में क्या होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं। गिरने के बाद क्या हो जाएंगे? अस्थायी। एक बार अस्थायी थे, गिर गए, फिर क्या आ गए? अस्थायी दांत आ गए। फिर हम देखते हैं चवर्ण, चवर्णक, जिसको हम बोलते हैं मोलर टीथ। जो ये मोलर टीथ है ये किसी भी पशु में हमेशा कैसे आएंगे? अस्थायी तौर पर आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए और गिर गए, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो ये चवर्णक जो दांत है वो हमेशा किस तरह से आएंगे? अस्थायी तौर पर आएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो कृंतक दांत है, कृंतक दांत है, और ये जो कृंतक दांत जो इंसीजर टीथ कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? इंसीजर टीथ कहते हैं। और जो ये पशुओं में इंसीजर जो टीथ होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? निचले के जबड़े में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? निचले के जबड़े में पाए जाते हैं। और अगर ऊपर की बात करें तो
तो ऊपर क्या होता है कि जो ये इंसीजर जो टीथ होते हैं वो पशुओं में ऊपर की तरफ नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ कौन से जबड़े में, नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। इतना सा हमें ध्यान रखना है। वो नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं तो ऊपर क्या पाया जाता है? तो ऊपर कुछ भी नहीं होता है, कठोर कठोर टिश्यू ऊतक पाया जाता है। कठोर ऊतक जो कि घास को काटने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर ऊपरी जबड़े में तो अनुपस्थित हो गया, और निचले जबड़े में जो ये कृतनक जो दांत हैं, इनसे दांत हैं वो होते हैं, ये इतना ध्यान रखना है। और अगर ये देखें तो अगर कृतनक दांतों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो होती है 4 जोड़ी, और कुल दांत अगर कहें तो कितने हो जाएगी, 8 संख्या। तो ये कौन से हो गए कृतनक दांत, 1, 2, 3 और 4। और ये कौन सी हो गई, 1, 2, 3 और 4। तो ये वाले जो दांत होंगे वो कौन से दांत होंगे, कृतनक इंसीजर दांत होंगे। और जो ये आगे वाले जो भी भाग के जो दांत हैं इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल टीथ बोलेंगे या फिर केंद्रीय दांत कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसको क्या कहेंगे, केंद्रीय दांत कहेंगे। फिर जो दूसरा है ये वाला और ये वाला नंबर 2 का, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मध्य, मिडल का दांत, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, जो ये जोड़ी, ये 3 नंबर की जो जोड़ी है, इस 3 नंबर की जोड़ी को क्या कहेंगे, लेटरल मतलब पार्श्व दांत कहेंगे। फिर हमारा ये जो लास्ट वाला जो भी पेयर होगा 4 नंबर का, उसको हम क्या कहेंगे, कोने का दांत मतलब कॉर्नर टीथ कहेंगे। मतलब हमने देखा कि यहाँ पर जो पशुओं के जो दांत पाए जा रहे हैं वो 4 प्रकार के दांत पाए, 4 जोड़ी दांत पाए जा रहे हैं, और 4 जोड़ी में कुल मिला के अगर दांतों की संख्या अगर पूछी जाए तो कृतनक दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8, और जोड़ी में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 4 जोड़ी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जो सबसे आगे वाले दांत हैं उनको क्या कहते हैं, सेंट्रल टीथ कहेंगे, फिर इनको मध्य का, फिर इनको क्या कहते हैं, पार्श्व दांत, और इनको क्या कहेंगे, कोने का दांत या फिर कॉर्नर टीथ कहते हैं। इतना सा हमें ध्यान रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट देखा जाए तो कृतनक दांतों की संख्या पूछी जाती है हमेशा, तो ये ध्यान रखना कि 4 जोड़ी होते हैं और कुल मिलाकर 8 कृतनक दांत पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि केनायन। तो आपने देखा कि केनायन क्या होता है, तो ये जो जैसे ये वाली जो जैसे ये सीरीज खत्म होती है, कौन सी वाली, कृतनक वाली, तो यहां पर जो दांत होते हैं वो इस तरह से और इस तरह से होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये जो तीखे से जो दांत होते हैं, जो डरावने दांत होते हैं, जो शेर में पाए जाते हैं, कुत्ते में पाए जाते हैं, बाघ में पाए जाते हैं, बिल्ली में पाए जाते हैं, तो ऐसे दांतों को क्या कहा जाता है, केनायन, केनायन दांत कहा जाता है। और ये क्या होता है, ये चार कुल मिलाकर 4 दांत होते हैं, और 4 दांत अगर कुल मिलाकर हैं तो कितने जोड़ी हो गए, 2 जोड़ी हो गए। मतलब क्या हो जाएगा कि ये निचला वाला जबड़ा और ये ऊपर वाला जबड़ा, यहाँ पर तो हमारा क्या हो गया था, ये इतने वाले भाग में क्या हो गया था, कृतनक दांत थे, लेकिन यहाँ पर जो टीथ मिलते हैं ये इस तरह से, तो 1 जोड़ी तो ये हो गया और 1 जोड़ी ये हो गया, मतलब 2 जोड़ी दांत पाए जाते हैं, मतलब ऊपरी जबड़े में 2 दांत मिलेंगे और निचले वाले जो जबड़ा है वहां पर 2 दांत मिलेंगे। तो कुल मिलाकर जो दांतों की संख्या हो जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी और 2 जोड़ी। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो केनायन दांत है वो ऊपरी जबड़े में भी उपस्थित होता है और नीचे वाले जबड़े में भी उपस्थित होता है, ये हमें ध्यान रखना है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर जो ये केनायन दांत की बात करें, इन केनायन दांत की बात करें, तो ये जो केनायन दांत हैं वो किस किस में अनुपस्थित रहता है, जुगाली करने वाले, जैसे
गाय भैंस भेड़ बकरी में क्या होते हैं? नहीं पाए जाते, मतलब जो भी जानवर जुगाली करते हैं उनमें कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? केनाइन प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं। और केनाइन प्रकार के जो दांत होते हैं वो अधिकतर मांसाहारी जो भी जानवर होते हैं उनमें दिखाई देखने को हमें मिलते हैं। इतना सा हमें मोटा मोटा ध्यान रखना है। फिर ये दांत अगर गाय भैंस भेड़ बकरी में नहीं पाए जाएंगे तो किस में मिलेंगे हमें? तो ये अगर ध्यान दें तो सुअर हो गया, कुत्ती कुत्ता हो गया, और कुतिया हो गई, फिर हमें बिल्ली हो गई, फिर शेर हो गया, है ना, बाघ हो गया। तो ये बहुत सारे जानवरों में ऐसे ऐसे मिलता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो केनाइन प्रकार के जो भी दांत होते हैं वो किस में होते हैं और किस में नहीं होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट चलें तो अग्रचर्वणक, जिसे हम प्रीमोलर दांत भी कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है कि कितने मिलेंगे? तीन जोड़ी तो ऊपर मिलेंगे और तीन जोड़ी क्या होंगे? नीचे मिलेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, मतलब कितना? तीन जोड़ी ऊपर और तीन जोड़ी निचले जबड़े में होते हैं। फिर कुल मिलाकर कितना हो गया? छह जोड़ी हो गया। छह जोड़ी हो गया मतलब कितने दांत हो गए? 12 दांत। 12 दांत मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे यहां पर क्या हो गया? अग्रचर्वणक दांत, तीन तीन यहां पर हो गए, फिर तीन तीन यहां पर हो गए, है ना, फिर यहां पर हो गए तीन तीन, ये हो गए तीन, ये हो गए। मतलब कुल मिलाकर अगर दांतों की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी अग्रचर्वणक की? वो हो जाएगी 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कितना हो जाएगा? 6 जोड़ी। और ये इसकी अगर बात करें तो जो प्रीमोलर जो दांत होते हैं वो पहले किस तरह से आएंगे? अस्थायी तौर पर आएंगे और एक बार गिर जाएंगे, फिर किस तौर पर आएंगे? अस्थायी तौर पर। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जो एक बार अस्थायी दांत होते हैं उन अस्थायी दांतों को क्या बोलते हैं? मेल्क टीथ भी कह देते हैं। इतना सा हमें ध्यान रखना है। फिर हम अगर नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट हमारी बात आती है चवर्णक दांतों की। चवर्णक जो दांत होते हैं, चवर्णक दांत होते हैं वो क्या होता है? तीन जोड़ी तो हमें ऊपर मिलेंगे और तीन जोड़ी हमें कहाँ मिलेंगे? नीचे वाले जबड़े में मिलेंगे। इतना सा हमें ध्यान रखना है। और ये भी कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी? 12। मतलब क्या हो गया अब तक? कितना हो गया? 12, 12 और 12 कितना हो गया? 24। 24 और केनायन, तो केनायन जो होता है वो गाय भैंस वगैरह में तो नहीं होते हैं, अब्सेंट रहते हैं, और ये 8 हो गए। मतलब 24 और 8 कितना हो गया? टोटल 32 दांत, 32 दांत हो गए। तो ये अगर हम बात करें तो तीन जोड़ी ऊपर और तीन जोड़ी नीचे होते हो, कुल मिलाकर कितने दांत होते हैं? 12 दांत होते हैं। इतना सा हमें ध्यान रखना है। और अगर एक नोट लिखकर भी बात कर सकते हैं कि जो मोलर दांत है वो कभी भी अस्थायी तौर पर नहीं आएंगे, वो हमेशा किस तरह से आएंगे? किस तरह से आएंगे? स्थायी तौर पर आएंगे हमेशा। अगर वो उन जो भी दांत हैं, जो मोलर दांत हैं वो अगर आएंगे तो वो किस तरह से आएंगे? अस्थायी तौर पर ही आएंगे, कभी भी अस्थायी तौर पर नहीं आएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है कि कभी कभी हमारे गाय भैंस बकरी भेड़ के अंदर किन दांतों की संख्या पूछ ली जाती है? कपोल दांतों की संख्या पूछ ली जाती है। कपोल दांत क्या होता है और इसी को हम कह देते हैं चीक दांत। चीक दांत क्या होता है और कपोल दांत क्या होता है? अगर प्रीमोलर और मोलर की बात करें, प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर की संख्या अग्रचवर्णक की संख्या और मोलर चवर्णक, इन दोनों की संख्याओं को मिलाकर ही हम कौन से दांत कह देते हैं? कपोल दांत
कह देते थे। और ऐसे अगर संख्या पूछे तो ऐसे की संख्या क्या हो जाएगी, 24। कितनी हो जाएगी, 24। ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर हम अगर नेक्स्ट चले तो कुछ आयु से रिलेटेड और पशुपालन विभाग में कुछ दांतों से रिलेटेड कुछ शब्दावली है, उनको भी हम जानते हैं कि ये चीज क्या होती है। अब जैसे एक वर्ड आता है दंतीपूर, जिसको हम बोलते हैं डेंटल पोड। और ये जो डेंटल पोड होता है, जो आपके इंसीजर दांत होते हैं, जो इंसीजर दांत हमने कहाँ देखे थे, इंसीजर दांत हमने इस वाले भाग में देखे थे, ठीक है ना। इस वाले भाग में हमने इंसीजर दांत देखे थे और उनकी संख्या कितनी थी, आठ। कितनी थी, आठ थी। तो ये वाली चीज भी देखते हैं, ठीक है ना। तो जो कर्तन दांत है, तो इसके जो नीचे वाले दांत में तो इंसिजर दांत मिलेंगे, लेकिन जो ऊपर जबड़े में क्या होगा, तो ऊपर जबड़े में कोई दांत नहीं होता है, वहां पर कैसे होते हैं, टिश्यू मिलते हैं, जो कि कठोर होते हैं, बहुत ही किस तरह के होते हैं, कठोर सतह होती है उनकी, और कैसी होती है, मोटी होती है, और वो क्या होता है, टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं। तो वहां पर क्या होंगे, दांत नहीं मिलेंगे, वहां पे टिश्यू की एक मोटी लेयर मिलेगी जो कि बहुत कठोर होती है और वो घास फूस को आसानी से काटने में सहायता करती है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो दंतेपोड डेंटल पोड क्या होता है, वो हमने देख लिया कि दंते जो पोड है वो क्या होता है कि टिश्यू की एक मोटी लेयर होती है जो कि कठोर होती है और वो घास फूस को आसानी से काटने में पशु को सहायता देती है। अब जो होते हैं अस्थायी दांत, अस्थायी दांत हमने देखा कि जो प्रीमोलर जो दांत होते हैं वो अस्थायी प्रकार के होते हैं, और अस्थायी जो दांत होते हैं वो एक बार गिर जाते हैं, है ना, तो मतलब कमजोर होते हैं, और कमजोर होने के बाद में अस्थायी तौर पर कमजोर दांत हैं, अस्थायी अस्थायी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं। इतना सा हमें ध्यान रखना है। फिर हम बात करें अस्थायी दांतों की, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कौन से आ रहे थे हमारे, मोलर प्रकार के। तो मोलर जो प्रकार के जो टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ, ये इसको क्या बोलते हैं, अस्थाई दांतों की गिरने के बाद। एक तो अग्र चवर्णक की बात करें तो अस्थाई दांत गिर जाएंगे, इसके बाद आएंगे तो अस्थाई तौर पर आएंगे, लेकिन अगर मोलर की बात करें तो वो तो हमेशा ही कैसे आएंगे, अस्थाई तौर पर ही आएंगे, इसलिए हमें ध्यान रखना है। फिर अगर एक वर्ड आता है भरा मुख अवस्था, फुल माउथ कंडीशन, तो ये चीज क्या होती है। फुल माउथ कंडीशन का मतलब होता है कि पशु में कौन कौन से दांत, एक हो गया इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, अगर ये चारों ही दांत आराम से और अच्छे तरीके से विकसित हो जाते हैं और निकल आते हैं आराम से, तो ऐसी जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है, भरा मुख अवस्था। मतलब जब पशु के मुख में सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं, उस अवस्था को ही क्या कहते हैं, भरा मुख अवस्था कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। फिर एक होता है टूटा मुख, जिसको हम बोलते हैं ब्रोकन माउथ। ब्रोकन माउथ का मतलब ये होता है कि अस्थायी दांतों में से अगर कोई भी दांत अगर गिर जाता है, हमको ध्यान है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे दांत या तो घिस जाएंगे या फिर गिर जाएंगे। तो ये जो टूटा मुख जो वर्ड यूज किया जाता है, वो उन टूटे हुए दांतों के लिए यूज किया जाता है कि जैसे दांत क्या होता है, गिर जाते हैं, है ना। उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे अस्थायी दांत का टूटना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोकन माउथ कहते हैं। फिर एक वर्ड आता है पोपला। पोपला जो वर्ड आता है उसका जो मीनिंग क्या होता है कि अधिक उम्र का वह पशु जिसके सभी अस्थायी दांत क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। मतलब अस्थायी दांत आ तो गए थे लेकिन उम्र ज्यादा हो गई, तो उम्र ज्यादा होगी तो क्या होगा कि दांत गिर गए उसके अस्थायी दांत थे, तो ऐसे पशु को क्या कहेंगे, पोपला पशु कहेंगे। तो ये शब्दावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दंतेपूर किसको कहते हैं, अस्थायी दांत किसको कहते हैं, स्थायी दांत किसको कहते हैं, भरा मुख किसको बोलते हैं, टूटा मुख किसको बोलते हैं, पोपला किसको कहते हैं, तो ये हमें शब्दावलियां ध्यान रखनी है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो डेंटल फॉर्मूले की बात करें,
अगर डेंटल फॉर्मूले की बात करें तो ये जोड़े में उपस्थित होते हैं, मतलब इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर। लेकिन ऊपर की जब ऊपर का जो जबड़ा है तो ये ऊपर की जबड़ी की बात होगी और ये नीचे की जबड़ी की बात होगी। मतलब हम यहाँ पर कैसे बात करेंगे, जोड़े में बात करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पर अस्थाई दंत विन्यास की बात करें, अस्थाई दंत विन्यास की बात करें, डेंटल फॉर्मूले की बात करें, किसकी बात करें, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब जैसे इंसीजर की बात करें तो ऊपरी जबड़े में कोई भी इंसीजर दांत होते हैं तो बिल्कुल नहीं होते हैं, मैंने बताया है वहाँ पर। तो कैसी टिश्यू होती है, मोटी टिश्यू होती है, जो क्या होता है, क्या होता है, वो होता है टिश्यू होता है, और टिश्यू में भी हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है। तो वो हमें ध्यान रखना वहाँ पर ऊपर वाले जबड़े में। लेकिन नीचे वाले जबड़े में क्या होते हैं, चार अग्रचर्ण, चार जो इंसीजर दांत होते हैं, चार जोड़ी तो वो पाए जाते हैं। लेकिन जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी में कैनाइन प्रकार जो तीखे वाले दांत होते हैं, तो जो जुगाली करने वाले जितने भी जानवर होंगे तो उसमें ये जो कैनाइन प्रकार के दांत क्या होंगे, ना तो ऊपर वाले जबड़े में होंगे और ना ही नीचे वाले जबड़े में होंगे। इसलिए यहाँ पर जो संख्या है ऊपर वाले जबड़े में भी जीरो है और नीचे वाले जबड़े में भी जीरो है। फिर हम बात करते हैं प्रीमोलर की। अब प्रीमोलर जो दांत होते हैं वो अस्थाई दंत विन्यास की बात करें तो अस्थाई में, तो हमारे अस्थाई अस्थाई में यहाँ पर प्रीमोलर की बात करें तो ऊपर भी तीन जोड़ी होते हैं और नीचे भी तीन जोड़ी होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें जो मोलर संख्या की बात करें तो मोलर संख्या होते ही नहीं है। यहाँ पर हम किसकी बात करें, अस्थाई दांतों की संख्या की बात करें, मतलब कितने जोड़ी हो गए, चार, चार और सात, सात और कितने जोड़ी हो गए, चार, चार और सात, सात और सात और दस, दस जोड़ी, मतलब टोटल दांतों की संख्या कितनी होगी, बीस। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अस्थाई दांत की अगर बात करें किसमें, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में बात करें तो क्या हो जाएगा, दांतों की संख्या कितनी होगी, बीस होगी, ये हमें ध्यान रखना है। फिर अस्थाई दंत विन्यास क्या होता है, फिर अस्थाई दंत विन्यास होता है कि जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी है तो उसमें यहाँ पर ठीक है कि नीचे चार जोड़ी होंगे लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं होगा, कैनाइन तो इसमें मिलते ही नहीं है। और जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर ऊपर भी तीन जोड़ी मिलेंगे और नीचे भी तीन जोड़ी मिलेंगे। और जो अस्थाई दांत, जो मोलर दांत की बात करें तो जो भैंस, भेड़, बकरी, गाय में बात करें तो ऊपर के जबड़े में भी तीन जोड़ी होंगे और नीचे वाले जबड़े में भी कितने हो जाएंगे, तीन जोड़ी होंगे। और कुल मिलाकर इनकी अगर संख्या की बात करें तो ये कितने जोड़ी कितने हो गए, यहाँ पर चार, तीन, सात, तीन कितने हो गए, कितने हो गए, दस, दस और छः कितने हो गए, दस और छः सोलह, और सोलह जोड़ी मतलब कितने टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई, 32 हो गई। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर वयस्क गाय, भैंस, भेड़, बकरी है तो उनकी जो दांतों की संख्या 32 होगी, और अगर बछड़े हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी मतलब बच्चे हैं तो उनके जो दांतों का विन्यास रहेगा ये रहेगा, और उनके जो दांतों की संख्या हो जाएगी ये रहेगी। तो सर आप तो ये दांत पढ़ाने लग गए, आप तो आयु की गणना कर रहे थे, तो आयु की गणना किस तरह से होता है आप तो वो बताइए। तो हम अगर इसकी चर्चा करेंगे तो हम आगे आयु की गणना भी करेंगे, कैसे करते हैं चलो आइए देखते हैं। अब जैसे हम देखते हैं विभिन्न जानवरों, जैसे कि हमें ध्यान रखना है कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में 32 क्या होता है, ये दंत विन्यास हमें याद रखना, और कितने दांत होते हैं, 32 दांत, कौन से एब्सेंट होते हैं ये ध्यान रखना है, और इंसीजर दांत कहाँ, कौन से जबड़े में नहीं पाए जाते, कौन से जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं, वो भी सारा हमें ध्यान रखना है, याद हो जाएगा। फिर हम ऊँट की बात करें तो ऊँट की जो बात करें यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है ना। तो कितनी हो जाएगी ऊँट की, अगर ऊँट की बात करें तो ऊँट में जो दांतों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी,
अब देखिए यहां पर एक बड़ी सी गलती हो रखी है, जैसे मैं बताता हूं। अब जैसे ये केनायन जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, कितने होते हैं केनायन प्रकार के दांत कितने होते हैं? यहां पर इंसीजर हो जाएगा, ये जो ऊंट है इसको हम नेक्स्ट पृष्ठ पे ही देखते हैं, है ना। इसकी बस दांतों की संख्या आप ध्यान रखना कि 34 होती है, इतना सा आप ध्यान रखना, है ना। फिर अगर इसकी ऊंट की बात करें, चलो ऊंट की बात देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या इंसीजर जो दांतों की संख्या है, यहाँ पर तो एक होगा, एक जोड़ी होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीन जोड़ी हो जाएगा। और अगर केनायन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर भी एक जोड़ी होगा और नीचे भी एक जोड़ी होगा। और प्रीमोलर की बात करें तो ऊपर तो तीन जोड़ी होगा और नीचे कितना हो जाएगा, दो जोड़ी मिलेगा हमें, ये ध्यान रखना है। और अगर मोलर संख्या की बात करें तो ऊपर भी तीन मिलेगी और नीचे भी कितनी मिलेगी, तीन, ये हमें ध्यान रखना है। मतलब कितना हो गया, कुल मिलाकर हमें कितने दांत मिलेंगे, 34 दांत। किसमें मिलेंगे 34 दांत? ऊंट के अंदर मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? ओट में मिलेंगे हमको, तो ये ध्यान रखना है ना। फिर हम घोड़े की बात करें तो घोड़ा जो होता है उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 40 याद रखना। घोड़ी में बात करें तो 36 याद रखना। सुअर में बात करें तो 44 याद रखना। और कुत्ता मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और उसमें जो होता है दांतों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी, वो आप ध्यान रखना। फिर हम जैसे ही देखते हैं कि गाय भैंस भेड़ बकरी में हमने देख लिया कि उनका दंत सूत्र क्या होता है, उनमें दांत कितने होते हैं। ऊंट का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऊपर की जबड़े में एक दांत मिलेगा इंसीजर में, नीचे में तीन। केनाइन की बात करें ऊपर भी एक जोड़ी मिलेगा, नीचे भी एक। फिर प्रीमोलर की बात करें तो ऊपर तीन जोड़ी मिलेगा, नीचे दो जोड़ी। फिर मोलर की बात करें तो ऊपर तीन जोड़ी मिलेगा और नीचे भी तीन जोड़ी, और कुल मिलाकर ऐसे बात करें तो 34 दांतों की संख्या हो जाएगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट हम। अब जैसे कि हम किस तरह से हम देखें कि आयु हम किस तरह से देख सकते हैं, तो हमें देखना है कि किस किस आयु में, किस किस आयु के अंदर कौन से दांत निकल रहे हैं, तो उनसे मोटा मोटा हमें आइडिया लग जाता है। और जैसे ही पूरे दांत निकल जाएंगे तो हर 2 वर्ष में क्या होता है, दांत क्या होते हैं, या तो फिर घिसने लगेंगे या फिर क्या होते हैं, गिर जाते हैं, दोनों कंडीशन होती है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। और अगर गाय जानवर हैं, गाय भैंस, और इनके अगर सामान्य अगर आयु की बात करें तो वो हो जाएगी 20 से लगाकर 23 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 से लगाकर 23 वर्ष, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः ये आयु होती है गाय भैंस वगैरह की, है ना। फिर हम यहाँ पर देख रहे थे कि जैसे जैसे यहाँ पर गाय व भैंस में विभिन्न दांत व उनके निकलने का समय, जैसे जन्म से लगाकर प्रथम सप्ताह की बात करें, जन्म से लगाकर 7 दिनों तक की बात करें, तो जो कृतनक दांत होते हैं, पहले के जो दांत, दो दांत कौन से वाले, पहले के दो दांत ये वाले, एक जोड़ी फर्स्ट जोड़ी कौन सा, फर्स्ट सप्ताह में निकलेंगे। फिर दूसरे सप्ताह में क्या हो जाएगा, अस्थायी जोड़ी ये वाले निकलेंगे, एक जोड़ी ये वाले निकल जाएंगे। फिर तीसरा सप्ताह की बात करें तो तीसरी जोड़ी निकल जाएगी। फिर चौथे सप्ताह की बात करें तो चौथी जोड़ी भी निकल जाएगी। मतलब हमने क्या देखा था कि जो कृतनक जो दांत होते हैं, इंसिजर जो दांत होते हैं, वो कितने होते हैं कि 4 जोड़ी होते हैं, और 4 जोड़ी में पहले सप्ताह में पहली जोड़ी निकलेगी, दूसरे सप्ताह में दूसरी जोड़ी निकलेगी, तीसरे सप्ताह में तीसरी जोड़ी निकलेगी, और चौथे सप्ताह में चौथी जोड़ी निकलेगी। किसकी निकलेगी? वो निकलेगी हमारे इंसीजर कृतनक दांतों की निकलेगी, वो हमें ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट देखें कि अगर 1 माह का हो जाए, 1 माह का हो जाए तो क्या हो जाएंगे, सभी अस्थायी दांत बिल्कुल आ गए, इंसिजर दांत अभी अस्थायी दांत हो गए, और कौन से दांत मिलेंगे, अग्र चवर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
मैं जहाँ इम्पोर्टेंट ठीक करता जाऊँ वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक महा का हो गया तो तब क्या हो जाएगा, एक तो अस्थायी जो दांत थे, कृतनक जो दांत थे, और एक वो आ जाते हैं पूरी तरह से, और एक होते हैं अग्रचर्वणक, प्रीमोलर दांत बोलते हैं, वो पूरी तरह से आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में अगर 6 माह का हो जाए, 6 माह का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 माह का हो जाएगा तो जो चवर्णक दांत का जो पहला अस्थायी जोड़ा है, पहले 6 मंथ की बात कर रहा हूँ, कौन सा जोड़ा, सभी अस्थायी और अग्रचवर्णक दांत तो यहाँ पर आ गए, लेकिन चवर्णक दांत का जो पहला जोड़ा कब आ निकलेगा, 6 माह का हो जाए। फिर 1.5 साल में कौन सा दूसरा जोड़ा निकलेगा, कौन से 1.5 साल में। फिर 2 से लगाकर 2.5 साल की अगर बात करें तो जो ये कृतनक दांत है, इस कृतनक दांत का जो प्रथम जोड़ा है वो कब निकलता है, 2 से लगाकर 2.5 वर्ष। लेकिन जो चवर्णक दांत का तीसरा अस्थायी जोड़ा भी इसी ड्यूरेशन में निकलता है, 2 से लगाकर 2.5 वर्ष में। फिर अगर बात करें कि 2.25 और 2.5 के बीच की बात करें, तो अग्रचवर्णक जो भी था, पहला दांत तथा दूसरा अस्थायी जोड़ा, मतलब पहले अस्थायी निकल रहा था, अब कौन सा जोड़ा निकल रहा है, अस्थायी जोड़ा, कब निकल रहा है, इस एज में, वो 2.5 से लगाकर 3 वर्ष की बात करें तो अस्थायी द्वितीय जोड़ा निकलेगा, किसका निकलेगा, कृतनक का। फिर 3 से लगाकर 3.5 वर्ष की बात करें तो अस्थायी तृतीय जोड़ा निकलेगा, किसका निकलेगा, कृतनक धातु का। 4 से लगाकर 4.5 वर्ष की बात करें तो चतुर्थ जो अस्थाई जोड़ा होगा वो निकल जाएगा, मतलब 4 से लगाकर 4.5 साल। फिर क्या होगा, पूरा मुख भरामुख हो जाएगा, मतलब इंसीजर भी आ गए, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर दांत, बराबर, ये आ गए। फिर आने के बाद में जैसे ही परिपक्व हो गए दांत, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो पीछे से जो अस्थायी दांत, जो चवर्णक जो दांत है वो घिसने चालू हो जाते हैं, और हर 2 वर्ष में क्या होता है कि जो एक एक जो दांत होता है वो घिसता जाता है, उससे हम आयु की कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, ये हमें ध्यान रखना है कि कब अस्थायी जोड़ा आ रहा है, कब अस्थायी जोड़ा आ रहा है, कब चवर्णक दांत आ रहे हैं, कब अग्र चवर्णक दांत आ रहे हैं, कब गिर रहे हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, वो 4 से लगाकर 4.5 वर्षों तक पूरी हो जाती है। फिर हम अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट तो भेड़ के दांत निकलने की आयु है ना, तो संभावित मंथ और कृतनक दांतों की स्थिति की बात करते हैं, है ना। जन्म के समय की बात करें तो 0 से लगाकर 2 जोड़ी कैसे दांत आएंगे, अस्थायी दांत। फिर 6 से लगाकर 10 मंथ की बात करें तो सभी अस्थायी दांत क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, है ना। फिर हम बात करें 14 से लगाकर 20 मंथ की बात करें तो प्रथम जो केंद्रीय जोड़ी होती है वो अस्थायी तौर पर निकल जाते हैं, और 21 से लगाकर 25 मंथ की बात करें तो द्वितीय अस्थायी जोड़ी निकलेगी, और 26 से लगाकर 30 मंथ की बात करें तो तृतीय अस्थायी जोड़ी निकलेगी, और 31 से लगाकर 36 मंथ की बात करें तो चतुर्थ अस्थायी जोड़ी निकलेगी। मतलब हमें ये आयु मंथ में ध्यान रखनी है कि कब कब निकल रहे हैं, एक तो अस्थायी तौर पर, एक अस्थायी तौर पर कब कब निकल रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर गाय भैंस की औसत आयु लगभग मैंने क्या, कितनी कितनी होती है, वो होती है 20 से लगाकर 23 वर्ष तक होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से हम क्या होता है कि जो जो भी जानवर होते हैं उनके आयु की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, आयु की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो दांतों की संख्या क्या क्या पढ़ा हमने, दांतों की संख्याओं को देखकर हम पता लगा सकते हैं, फिर हूफ हॉर्नों को देखकर पता लगा सकते हैं, हूफ को, हूफ जो भी मुंह जो आगे की तरफ निकला हुआ होता है उसको हूफ बोलते हैं, हूफ एग्जामिनेशन, है ना। फिर हम उसका अपने जैसे कि जैसे थन थूथन वगैरह अलग अलग तरीके से हम उनके आयु की कैलकुलेशन कर सकते हैं,
और एक क्या होता है, जब भी जन्म होता है तो उनके डायरीज वगैरह होती है उसमें, उसके द्वारा भी हम डे बाय डे, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम नॉर्मली किससे एज की कैलकुलेशन कर लेते हैं, दांतों से एज की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, और निरंतर हमें क्या करना है कि ये जो पशु परिचर का जो बैच चल रहा है अब, जैसे पार्ट एक होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, इस पार्ट बी में मैं पूरा पोर्शन कवर करवाऊंगा, और इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 45 मार्क्स के आएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे, है ना, इस एग्जाम में। और इस साथ ही साथ मान के चलिए 10 से लगा अगर 15 क्वेश्चन किससे आएंगे, जनरल साइंस से, वो भी मैं क्लियर करवाऊंगा बहुत इजी वे में, है ना। तो आप लगातार अदम्य एकेडमी से जुड़े रहिए, और पशु परिचर की तैयारी, मतलब इतनी बड़ी वैकेंसी आना मतलब अपने लिए भाग्य की बात है, और उसके साथ में हमें मेहनत भी करनी है, और मेहनत करेंगे तो अवश्य ही हमें क्या मिलेगा, हमें इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो हमें इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, पार्ट ए और पार्ट बी की। तो और जो आज हमने देखा कि एज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो ये आपको आज वापस पढ़ना है, रिवाइज करना है, इसको देखना है ना। तो फिर आगे हम देखेंगे कि आगे कौन कौन से टॉपिक है ना, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना, कि जानवरों में किस तरह के रोग पाए जाते हैं वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक हम हर चीज़ पढ़ेंगे। तो इसीलिए आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है ना। फिर ये पढ़ने के बाद में सारी चीज़ें, फिर आपको क्या करना है कि खुद का एनालिसिस करना है कि हमें कितना याद रहा कितना याद नहीं रहा है ना। फिर इसके बाद में जैसे ही ये सारे टॉपिक हो जाएंगे, इसके बाद टेस्ट भी हम लॉन्च करेंगे, और उन टेस्ट के माध्यम से अपना खुद का इवेल्यूशन भी करना है, और इवेल्यूशन करने के बाद में ध्यान रहेगा कि हम कितने गहराई में और कितने पानी के ऊपर हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं ना, प्रिपरेशन से ही मालूम चलेगी। इसीलिए क्या करना है हमें कि तैयारी जोरों से करनी है पशु परिचर की, ठीक है ना। फिर कल दूसरी क्लास के साथ में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।